जून माह 2021 में UPATS के द्वारा अवैध धर्मांतरण का एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जो विदेशी संस्थाओं से निर्देश और उसके प्राप्त फंडिंग के आधार पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर धर्म परिवर्तित लोगों को उसके मूल धर्म के प्रति विद्वेष एवं नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश में सौहार्द बिगाड़ने का काम करते थे। इस संबंध में ATS के थाना लखनऊ में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा गत माह दिनांक 17 जुलाई को महाराष्ट्र के नागपुर से अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के में सक्रिय रूप से जुड़े होने के कारण अभियुक्त एडम कौसर और अरसलान को भी गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में बीती रात अर्थात 8 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पुसद नामक कस्बे से अभियुक्त डॉक्टर फराज अहमद पुत्र बाबूलाल शाह को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त फराज शाह उमर गौतम व उसके गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध धर्मांतरण के कार्य को वृहद स्तर पर संचालित कर रहा था। यह उमर गौतम के अतिरिक्त नागपुर में पूर्व में गिरफ्तार किए गए एडम कौसर व अरसलान का मुख्य सहयोगी है और इसके द्वारा भारी संख्या में लोगों के धर्मांतरित कराने के षड्यंत्र में शामिल भी रहा है। इस प्रकार महाराष्ट्र से अब तक कुल 4 व्यक्ति धर्मांतरण रैकेट में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके अभियुक्तों के पास से बरामद जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अध्ययन किया गया और उससे प्राप्त ऑडियो वीडियो तथा फोटो इत्यादि के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त एडम कौसर असलान व फराज रेडिकली मोटिवेटेड हैं और गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के मोबाइल फोन से बरामद ऑडियो क्लिप में कई राष्ट्र विरोधी अन्य धर्म विरोधी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने हेतु वार्तालाप भी पाए जा रहे हैं, जिसके वॉयस मिलान हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त अभियुक्त फराज शाह को यहां लाकर और उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।